हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि क्योंकि हम जा रहे हैं कथा सुनने। मैंने आपको बोला था कि हम कथा सुनने जाएंगे और जा रहे हैं कथा सुनने। बहुत ही बढ़िया हो रही है। आज एक्चुअली कृष्ण जी का जन्म होना है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कहा चलो फटाफट रेडी होते हैं। माँ रेडी हो गई, मौसी रेडी हो गई, मैं नहीं रेडी हूँ। मुझे पहनना है सूट। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन सा सूट पहनूँ। साड़ी पहन के इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि ना मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो ऐसा पहन के क्यों जाना कि तबीयत खराब हो। तो मैं देख लेती हूँ मुझे क्या पहनना है, फिर मिलती हूँ आपसे। ये वाला सूट मैंने पहना है, बहुत टाइट है, अभी मैंने सही से चेन नहीं बंद की है। बहुत प्यारा सूट है। ये सूट मेरे ससुराल से मुझे आया था, मेरी शादी जब मतलब गोदभराई में आया था। बहुत प्यारा सुंदर सा सूट है। तो चलो रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। ये सूट ना मैंने पहना था छठ पूजा में पिछले साल। तो मैंने ना वीडियो देखी आज अपनी, तो मुझे याद है मैंने कहा अच्छा मेरे पास एक ये भी सूट है, तो मैंने कहा ला यही पहन के चलते हैं आज। वैसे भी ना मेरी शादी के जो सूट हैं सारे बहुत सुंदर हैं। मतलब एक ये है, एक रेड है, मतलब दो मुझे बहुत पसंद है जो कि ये वाला और रेड वाला है। मैं ना एक्चुअली थोड़ा सा सूट ऐसा देख रही थी कि जो थोड़ा मोटा हो, इस चक्कर में मैंने ये सूट और पहन लिया क्योंकि ना ये थोड़ा मोटा है और अच्छा है। जपेंगे राधे राधे नाम लेंगे, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। ओहो तो जी आई एम रेडी। चप्पल नीचे से पहन लेंगे और चलते हैं। मुझे बदलना पड़ा क्योंकि वो सूट फट गया। और बेटे कितने थे, कितने पुत्र? प्रियवर्तन और उत्तानपाद। कल किसकी कथा सुनी? उत्तानपाद की, जो ध्रुव जी के पिताजी। सुनी ना अभी तक ध्रुव जी के वंश की कथा सुनी, और अब कथा कहेंगे जो मनु महाराज के बड़े प्रिय वर। पहले तो साधु बन गए, मुझे राजपाठ की राज सिंहासन की कोई लालसा नहीं, सब कुछ त्याग करके चले गए। और अब उत्तानपाद का ध्रुव जी का वंश जब समाप्त हो गया तो स्वयं मनु महाराज समझाने के लिए आए। हे प्रियव्रत, तुम्हारे भाई का वंश समाप्त हो गया, अब तुम भी अपने वंश को आगे बढ़ाओ, ये मेरी आज्ञा है। देखो पुत्र कैसा होना चाहिए, यद्यपि निवृत्त मार्गी थे, त्यागी वैरागी थे प्रियव्रत, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, सिरोधार्य किया और गृहस्थ में आए। इनकी एक कन्या हुई और 10 प्रियावरते
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। बोलो आइए, भरत जी का बड़ा दिव्य चरित्र। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन ममता नहीं छोड़ पाए। अजामिन हरा प्रसंग यहाँ गाया गया, उसके बाद एक वृत्रासुर का प्रसंग, वृत्रासुर का प्रसंग। अहम हरे तव पादे अहम हरे तव पादे सारे लोग नाप दिए भगवान ने। उसके बाद दूसरा पग बढ़ाया, फिर भगवान ने और जितने नीचे के लोग सब नाप दिए। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची, राजा बलि ने अपना मस्तक समर्पित किया। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा, राजा बलि को सुतल लोक में भगवान ने भेज दिया। आइए ये भगवान वामन का प्रसंग, बोलिए उपेंद्र भगवान जय। यहाँ पर आ गया, प्लीज प्रोसेस द टी। प्रोसेस द टी कहाँ से? कहाँ से सीखी हो? मेरी, मैंने भी आज वहाँ पे भजन पे नृत्य किया था। क्या कहोगे इसके बारे में? दो शब्द प्लीज।
मेरी ऑडियंस को बताओ मैं कितना अच्छा डांस करती हूँ। दीदी फैन है क्योंकि दीदी का हमारे घर में सब हमसे अच्छा डांस करते हैं, हमें तो आता ही नहीं है। नहीं दीदी बहुत अच्छा डांस करती है, आपको बस एक गाना बजाने की जरूरत है जो दीदी का फेवरेट है बस। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा कृष्ण दर्शन जन्म हुआ आखिरी में, बहुत अच्छा लगा। मैंने छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड की है, आप लोग देखना आपको अच्छा लगेगा। फिर हम घर आगे प्रसाद वगैरह लेके आरती हुई, प्रसाद लिया, फिर अभी बस अब चाय पीने जा रहे हैं। हम गए थे आई गेस 2 बजे और आए हैं 6:30 बजे, 6:30 बजे आए हैं। तो बढ़िया रहा आज का दिन, बहुत अच्छा लगा। चाय कौन बनाता है? अपने तो दो, ये ढाबा स्टाइल चाय बनाती हैं, उसको हिलाती रहती हैं परमानेंट। Unbelievable scenes here. Captain Courageous Rohit Sharma leading from the front and Mystical at the other end, Shubman Gill. And we saw Mitchell start last game in the semi-final against South Africa get back to somewhere near his best with the brand new ball. In a swing but going down. Starks convinced. Down the pitch, down the ground for first boundary off the bat of Rohit Sharma. Who else? Now that's a little bit of a hack, very unlike Rohit Sharma. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन की सुबह है, चाय बन रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो फान मार रही है। तो चाय पीते हैं पहले, और अभी भी ना कथा वथा वो मतलब सुबह जो पूजा होती है वो सब हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। और बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना आगे क्या ब्लॉग करूँ, क्योंकि ना अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब अभी मुझे थाली लगानी है, मुझे मंदिर जाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो फिर लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं जाती हूँ, अपना सारा काम करती हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, थैंक यू। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू।